दोस्तों स्वागत है आज के एक नई वीडियो के साथ में। तो आप देख रहे हैं मेसी फर्गुसन का 4WD-254DI जो कि कंपनी का डायना ट्रैक मॉडल है और कंपनी ने लॉन्च कर रखा है स्पेशल खेती के लिए, क्योंकि कंपनी जो है ना दिन पर दिन अपने जो ट्रैक्टर में चेंज करते जा रही है, आगे से लेके पीछे तक पिछला जो हिस्सा है वो भी सारा चेंज कर दिया गया है इस डायना ट्रैक मॉडल में। तो क्या क्या आपको खास मिलता है ये ट्रैक्टर, आपको टू व्हील में भी मिलेगा, फोर व्हील में भी मिलेगा, और क्या क्या इसमें अच्छे फीचर्स हैं और क्या क्या मुझे कमी लगी है और क्या इस ट्रैक्टर का प्राइस है, तो सारी बातें करेंगे। और मतलब जो चीज़ भी इसमें है मतलब अलग से है, तो कंपनी जो ना वहीं पे एक पूरा अपना स्टिकर सा जो वो डाल रखा है, तो इनकी बात भी करेंगे। अगर मैं इसका ट्रैक्टर का आपको लुक दिखाऊं तो सिंगल पीस बोनेट के साथ में आपको ट्रैक्टर का जो लुक है वो आता है और काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में आता है। जिसका बोनेट है, बोनेट का डिज़ाइन है एरोडायनामिक। एरोडायनामिक फ़ायदा ये होता है जो मतलब ऊपर से जो बोनेट का डिज़ाइन होता है वो आगे से झुका हुआ होता है, उसका फ़ायदा ये होता है आपको सीट पे बैठ के जो है ना मतलब नज़दीक का जो ज़्यादा दिखाई देता है। तो फ्रंट में लगभग 70 kg का कंपनी फिटेड इसमें वेट मिलता है और जो इसका फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर मिलता है इसमें आपको 8/18 का फ्रंट टायर मिलता है। और जो इसका फ्रंट एक्सल है आप देखो कंपनी लिख रही है फुली सील्ड हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल 4WD, मतलब बेवल गियर वाला और करारो कंपनी का एक्सल है इसमें, करारो का जो कि वर्ल्ड क्लास कंपनी मानी जाती है एक्सल और गेयरबॉक्स बनाने के लिए। करारो की मोहर भी लग रही है आप देख सकते हैं और ड्यूल एक्टिंग का जो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग वो दिया गया है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के बोनेट की बात करते हैं तो सिंगल पीस जो इस ट्रैक्टर का बोनेट वो आपको दिया गया है और मैं आपको जो आपके ऊपर खोल के भी दिखाता हूँ उसका बोनेट जो है वो, ये देख सकते हैं आप सिंगल पीस बोनेट है, सिर्फ आपको हल्का सा पुश करना है उसके बाद जो बोनेट है वो अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट का जो एयर क्लीनर वो दिया गया है। अगर हम इंजन की बात करते हैं तो सिम्पसन कंपनी का जिसमें आपको इंजन मिलता है 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड 2700 cc का और लगभग 192 Nm का ट्रैक्टर टॉर्क जनरेट करता है। तो इसमें जो ना आपको एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे पूरा टैंडम पंप दिया गया है जो कि मैसी के कुछ मॉडलों में जो है ना जो ये हाइड्रोलिक पंप होता है ये गियर बॉक्स या पिछले हिस्से में दिया जाता है, लेकिन इसमें दोनों पंप जो यहीं पे दे रखे हैं। और लगभग 50 लीटर के आसपास का जो इसमें आपको डीजल टैंक वो दिया गया है। सिंगल और ड्यूअल दोनों के लिए इसमें इस ट्रैक्टर का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। 50 HP कैटेगरी में ट्रैक्टर आपको मिलता है। और अब देखो वाटर सेपरेटर और डीजल फिल्टर दोनों का काम जो ना वो एक ही फिल्टर करेगा और ये फिल्टर जो ना मतलब आपको हर सर्विस से चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी इसमें मतलब अच्छा दे रखा है। और अगर इस साइड से बात करते हैं तो वही अपना सिम्पसन का इंजन मिलता है, सिम्पसन सुपर टॉर्क इंजन जो इसमें आपको दिया गया है। डायना स्मार्ट जो है मतलब ब्रांड मॉडल है इसका। और अगर मैं इसको आपको SFC दिखाऊं तो 265 जो है वो किलोवाट में है और 31.3 की जो इसकी HP PTHP है वो भी किलोवाट में दी गई है। अब दोस्तों अगर ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं और गियरबॉक्स की बात करते हैं तो क्या क्या कंपनी ने इसमें बदलाव करा है। पहले जो इसमें गियरबॉक्स आता था और प्लेटफॉर्म आता था वो आते थे काफ़ी नीचे पायदान वाले, तो उन्हें जो ना लोग बहुत कम पसंद करने लगे थे मैसी को, तो मैसी ने फिर से बदलाव करा अपने ट्रैक्टरों में मार्केट के हिसाब को देखते हुए। और देखो यहाँ पे जो खास है वो लिख दिया 24 स्पीड सुपर सटल, तो वो सुपर सटल क्या है वो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो ऊपर से लोग देख सकते हैं कुछ ट्रैक्टर जो इस तरह का आता है और क्लिच भी काफ़ी सॉफ्ट दी गई है। अब मैं इसका अगर आपको गियर दिखाता हूँ तो इधर मिलता है मीडियम हाई और लो, 3 गियर इधर हो गए और 4 गियर हो गए इधर, तो टोटल 12 गियर हो गए। अब 12 फॉरवर्ड हैं और 12 ही जो इसमें आपको रिवर्स मिलते हैं। तो ये है इसका सुपर सटल, मतलब आप इसको आगे कर दोगे तो ट्रैक्टर आगे को चलेगा, पीछे कर दोगे तो पीछे चलेगा, मतलब 12 फॉरवर्ड हैं और 12 ही रिवर्स इसमें दिए गए हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे अपना RPM वो मिलता है और जो ये अपने PTO 540 हैं वो लगभग 1700 से 1800 पूरे कर लेता है। और अगर इसके हम PTO की बात करते हैं तो इसमें LPTO आती है, GSPTO आती है और MSPTO आती है, मतलब 3 तरह की जो PTO का इसमें आपको ऑप्शन मिल दिया गया है। और अगर इस साइड बात करते हैं तो इस साइड जो है इसमें आपको ड्राफ्ट लीवर मिलता है, पोजीशन लीवर मिलता है और एक लीवर वो इसमें 3 दिया गया है। तो दोस्तों ट्रैक्टर का जो लुक है, लुक तो देखो काफ़ी अच्छा है, लुक तो काफ़ी जो शानदार बना रखा है ट्रैक्टर का। जो इसका पिछला टायर है वो दिया गया है 14 और 28 का और वेट प्लेट भी मिलती है इसमें आपको, 32 kg की जो वेट प्लेट दी गई हैं। और अगर हम पिछले हिस्से की बात करते हैं तो लगभग 1800 kg की ट्रैक्टर में लिफ्टिंग क्षमता मिलती है। और एक बदलाव यह कर दिया, पहले चैन वाले स्टेबलाइजर आते थे लेकिन अब कंपनी ने कर दिया है गोल और लोक वाले, तो कंपनी धीरे धीरे जो ना बदलाव कर रही है। और जो फाइनल ड्राइव है, फाइनल ड्राइव आती है इसकी प्लेटनी ड्राइव की, फाइनल ड्राइव पहले मैसी के ट्रैक्टर में आती थी सिंगल रिडक्शन के साथ में, लेकिन अब कर दिया प्लेटनी ड्राइव जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी फाइनल ड्राइव मानी जाती है। और एडजस्टेबल जो इसमें आपको हिच मिलेगा और 3 स्लॉट वाली जिसमें आपको लिफ्ट सेंसिंग मिलती है और ड्यूअल QRC कपलर मिलते हैं और ये मिलता है ऑक्सिलरी वॉल का लीवर जो यहाँ पे दिया गया है। और पीछे जो ना काफ़ी बड़ा इसमें आपको टूल बॉक्स जो वो दिया गया है
तो देखो मैसी जो ना सब बदलाव करती है, लेकिन देखो एक बदलाव क्या नहीं करती, ये अपने जो फेंडर हैं मरगाट बोलते हैं उनमें जो ना कभी बदलाव नहीं करती। इनके 72 जो मतलब DI 35 आता है और 9500 लोग तक लेकर मतलब जितने भी ट्रैक्टर ले लो इनमें जो फेंडर हैं वो बिल्कुल सेम वही के वही आते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी कमी लगी इस कंपनी में। और देखो एक जो ना आप सबसे बड़ी कमी देखना इसका, जो कि इसमें जो ना मतलब जो डीजल टैंक आप कहाँ से फिल करोगे, तो डीजल टैंक के लिए जो ना बिल्कुल बीचों बीच वो दिया गया है। अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करते हैं तो लगभग 9,80,000 जो ट्रैक्टर कीमत है, और अगर आप इसमें टू व्हील में जाएंगे तो टू व्हील की जो कीमत है वो है लगभग 1,00,000 रुपये कम हो जाएगा। तो टू व्हील में और फोर व्हील में जो ना पूरा 1,00,000 रुपये का अंतर है। तो वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।